नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। दिल्ली के पुलिस अधीक्षक इन दिनों एक्शन मूड में हैं। वे पुलिस अधिकारियों की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इलाके में चल रहे अवैध गांजे के काले कारोबार की शिकायत मिलने के बाद एसपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए कोरिडोर के प्रभारी सहित 10 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया, तो वहीं क्राइम ब्रांच में तैनात SHO इंद्रदीप को सौंपी कोरिडोर कोतवाली की कमान। इसके उपरांत SHO कोरिडोर और चौकी इंचार्ज मुजफ्फरपुर के साथ साथ 8 पुलिसकर्मियों को, इन टोटल 10 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जनपद भर में किसी भी प्रकार से अवैध गांजा या नारकोटिक सब्सटेंसेस की बिक्री कहीं पर भी ना हो। अगर जो कोई पुलिसकर्मी के द्वारा लापरवाही बरती गई या संलिप्तता पाई गई तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।